सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर स्लो केमिस्ट्री चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट काफ़ी दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर ये बताइए 2019 के लिए जो हमारा कट ऑफ मार्क्स है नीट में वो कितना रहने वाला है, 2019 के लिए हमारे सेफ मार्क्स कितने होने चाहिए जिससे कि हम एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा सकें और उसके हिसाब से हम अपनी एक अच्छी स्ट्रेटजी अभी से बना सकें जिससे कि हम आगे जाके हमको कोई दिक्कत ना हो। और सही बात भी आपको पता भी होना चाहिए कि आप फ्यूचर में जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं नीट या जेई जिस चीज़ की भी कर रहे हो, लेकिन अभी मैं नीट की बात करूँगा यहाँ पर, नीट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी पोजीशन इस भीड़ में कहाँ है। ये जो इतनी सारी जो कॉम्पिटिशन है इतनी सारी हर साल देखते हैं आप, कभी 14 लाख बच्चे डाल रहे हैं, इस साल 15 लाख बच्चे डाले हैं, आगे आने वाले दिनों में आपने देखा होगा सुनने में आता है कि आगे आने वाले दिनों में लगभग 17 लाख बच्चे या 18 लाख बच्चे नीट में बैठने वाले हैं। तो कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपकी जो पोजीशन है इस भीड़ में वो कहाँ पर है। और ये कैसे पता चलेगी, जब आपके पास एक अच्छा बेस्ट प्लान होगा, एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी और आपका एक टारगेट होगा कि हमको यहाँ तक पहुँचना है और अभी मैं यहाँ पर हूँ, उस तरीके से आप एक अच्छी स्ट्रेटजी और अच्छे प्लान के थ्रू वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आपको एक सेफ स्कोर मार्क्स वो कौन से हैं जो आपको लेकर चलने हैं, अभी से आपको उनकी तैयारी करनी है, ठीक है। तो इसी बारे में हम आगे इसमें चर्चा करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ डॉक्टर श्लोक और आप हैं मेरे साथ डॉक्टर श्लोक केमिस्ट्री पर। मेरा दूसरा चैनल है बायोलॉजी बाय डॉक्टर श्लोक। अगर आपने अभी तक वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल वहाँ जाइए मेरे चैनल पे और उसको सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मैं आपके लिए कंप्लीट बायोलॉजी रिवीजन लेके आ रहा हूँ। अभी जो चल रहा है वहाँ पर डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है जिसमें आपके प्रीवियस 30 ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करा रहे हैं और आपके साथ ही अभी जो एक दो वीडियो आई है उस पर वो उसमें एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ठीक है। साथ ही उसमें प्रीवियस ईयर के आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी 30 ईयर के क्वेश्चन की PDF में लगा कर दे रहा हूँ, तो उसमें भी आप उसको भी डाउनलोड करके डेली 30 क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस मैंने आपको बोला है करने के लिए वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज की जो वीडियो हमारे उसके टॉपिक पर। तो देखिए आपका जो नीट 2019 के लिए मेरे हिसाब से, जैसा कि जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं अभी तक, जितने भी मैंने काउंसलिंग की वीडियो डाली है उसमें सभी को पता होगा कि मैंने क्या क्या आपको बताया, कितने मार्क्स पर क्या क्या चीज़ मिली है। तो 2019 के लिए उसी हिसाब से मैं आपको बताऊं तो आपका जो सेफ मार्क्स रहने वाला है वो आपका रहने वाला है 550 प्लस। अगर आप अचीव करते हैं 2019 में तो आपको कोई ना कोई अच्छा कॉलेज की बात मैं कर रहा हूं, कोई ना कोई अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा अगर आप इस स्कोर तक पहुंच जाते हैं तो। और ऐसा तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि आप इतना स्कोर कर लीजिए आपको कॉलेज मिल जाएगा, इतना स्कोर कर लीजिए कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन बात यही आती है कि इतना स्कोर करना, 550 प्लस स्कोर करना कोई मजाक की बात नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए एक अच्छा प्लान होना चाहिए, एक अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और कड़ी मेहनत भी चाहिए, ठीक है। तो ये स्कोर किया क्या, ये जो स्कोर है इस तक पहुँचा कैसे जाए, तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कुछ बातें। वो क्या है कि देखिए आपका जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं इसमें आपके 3 सब्जेक्ट हैं, जैसा कि सभी लोगों को पता है आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, 3 सब्जेक्ट आपके हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैं जो देना चाहूँगा ध्यान वो देना चाहूँगा बायो पर, क्योंकि बायो के ही आपके मार्क्स सबसे पहले मेरिट डिसाइड करते हैं, बायो के ही मार्क्स आपके सबसे पहले देखे जाते हैं जब आपकी मेरिट डिसाइड होती है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान जो आपको देना है बायो पर देना है, फिर केमिस्ट्री पर देना है और फिर फिजिक्स पर देना है। फिजिक्स पर इस वजह से मैं कम ध्यान देने को कह रहा हूँ कि फिजिक्स आप समय भरपूर देंगे उसको लेकिन आप इतना अच्छा स्कोर कर नहीं पाते। बायो वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा बड़ी जो दिक्कत होती है वो होती है फिजिक्स की, फिजिक्स में ही वो अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते और फिजिक्स की वजह से ही अक्सर लोगों का सिलेक्शन जो होता है वो रुक जाता है, ठीक है। तो आप अपनी इधर मेहनत देने की बजाय आप इधर मेहनत दीजिए और इस पर मेहनत दीजिए, इस पर भी मेहनत आपको करनी है लेकिन उतना ज़्यादा ध्यान जितना बायो और केमिस्ट्री पर देना उतना फिजिक्स पर अगर आप ना भी दें तब भी आपका काम चल जाएगा। तो आपके लिए जो मार्क्स होने वाले हैं वो 550 प्लस होने वाले हैं जिसको आप अचीव कर सकते हैं अगर आप 100 क्वेश्चन के लिए अगर फिजिक्स में करते हैं, 100 प्लस क्वेश्चन के लिए अगर आप करते हैं तैयारी तो आप आसानी से आप 550 प्लस तक स्कोर कर सकते हैं। किस तरीके से, मान लीजिए आपने 100 प्लस के लिए आपने फिजिक्स में कर ली और आप 140 प्लस मार्क्स अगर केमिस्ट्री में कर लें और
320 प्लस मार्क्स अगर आप बायो में कर ले तो इनका जो सम हो जाएगा, अगर आप देखेंगे मैं आपको सम कर दिखाऊं, 320 प्लस 140 प्लस एंड 100 प्लस, ये अगर आप करेंगे तो आपका जो मार्क्स आएगा वो आएगा 560 प्लस के करीब। तो 556 के करीब ये जो मैंने बताया आपको इस स्ट्रेटजी के थ्रू आप ला सकते हैं। अगर आप 320 बायो में 100 फिजिक्स और 140 आप केमिस्ट्री में स्कोर करते हैं तो आपका टोटल जो हो जाएगा 560 प्लस, लेकिन आपका जो सेफ मार्क्स है वो है आपका 550 प्लस। आप 560 तक स्कोर कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन आप जो चाहिए आपको वो 550 प्लस चाहिए, बस आपको इतना करना है। अगर आप इस तक पहुंच जाते हैं तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने से, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी पड़ेंगी, बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको पहले करने पड़ेंगे जिनसे अक्सर क्वेश्चन आते हैं, वो सारे टॉपिक आप करिए पहले, ठीक है। बायो को तो आप कंप्लीट कर लिए, बायो में तो आपको एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है। प्रीवियस थर्ड ईयर के क्वेश्चन आपको लगाने, एग्जाम प्लर के क्वेश्चन आपको लगाने, दोनों NCERTO कंप्लीट करना है। साथ ही आपको डायग्राम वाले जो स्टूडेंट है, जो बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए थे कि सर डायग्राम से कभी क्वेश्चन नहीं आया 3-4 सालों में अभी तक, तो देखिए दो तीन सालों से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं है डायग्राम से क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन डायग्राम से अभी 1-2 साल से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सकते। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको इसमें जो करना है, आपको दोनों NCERT पढ़नी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं और आपको एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन करने हैं, साथ ही जितने भी डायग्राम अच्छे से कर सकते हैं आप वो कर सकते हैं तो वो भी आपको करने हैं। कर नहीं सकते, आपको करने ही पड़ेंगे क्योंकि डायग्राम से कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, उसमें आप जरा भी कुताही ना बरतें, ठीक है। बाकी आपको 140 प्लस केमिस्ट्री के लिए चाहिए और 100 प्लस आपको चाहिए किसके लिए, फिजिक्स के लिए। तो इन चीज़ों के मैं देखिए केमिस्ट्री के लिए भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको पहले ही वीडियो बता चुका हूँ, और फिजिक्स की अभी हाल ही में ही मैंने आपकी वीडियो डाली थी फिजिक्स में कौन कौन से जो चैप्टर आपको पहले करने चाहिए, वहाँ मैंने बताया था आप 140 प्लस तक भी फिजिक्स में जा सकते हैं अगर जो टॉपिक मैंने बताए उनको आप अच्छे से करते हैं और आप 30 प्लस क्वेश्चन डेली लेके चलते हैं तो। लेकिन यहाँ पर आज जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उसमें आपको केवल 100 प्लस ही स्कोर करना है, तो आप वो वीडियो देख लीजिए, उसमें से जो टॉपिक हैं वो उठाइए और उनको अच्छे से करिए। आगे जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊँगा, बात करूँगा कि आपका जो स्टडी प्लान है वो किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से आप इस चीज़ को अचीव करेंगे। स्टडी प्लान के बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे कि आप किस तरीके से इस 550 प्लस तक पहुँच सकते हैं, क्या आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी वो होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि आप 40 प्लस क्वेश्चन डेली लगाते रहिए, कुछ नहीं तो 30 प्लस क्वेश्चन भी हर सब्जेक्ट के लगाते रहिए, आपको डेली क्वेश्चन लगाने हैं, सबसे अच्छी स्ट्रेटजी यही है और इससे कुछ नहीं। आपको टाइम किस तरीके से मैनेज करना है ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इससे। और ये जो वीडियो है अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही आपका कोई भी अगर क्वेश्चन हो, कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके उन सुझावों को लेकर कुछ आगे अच्छा करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए 550 प्लस आज से ही एक पेपर पर लिखकर सामने चिपका लीजिए, जो कि आपको एनर्जी देगा जिससे कि आप आगे बढ़ें, ठीक है। तो अपने टारगेट को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, अपने सामने उसको इस वजह से चिपका के रखिए ताकि आपको हर रोज़ उठें तो आपको याद रहे कि मुझे 550 प्लस करना है तो करना है, और उसी की दिशा में एक आप अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी बनाएं और उसके आगे बढ़ें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए मुझसे।